सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम लोग हिंदी विषय में लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ लिया है, प्रत्यय पढ़ लिया है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है लेसन नंबर 6 में, वो है सामासिक पद। तो सामासिक पद क्या होते हैं, समास क्या होता है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और दोस्तों, बस केवल आपको सुन करके इसको समझ लेना है, और जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं समास की परिभाषा के साथ ही, उनके एग्जाम्पल्स को आप लोग जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों के, क्योंकि यही सब चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएंगी, फिर आप लोगों के यूपी टेट में पूछी जाएंगी, फिर वही चीजें सी टेट में या फिर सुपर टेट में भी पूछी जाएंगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ आपको, बहुत इजी वे में ये समझ भी आ जाएगा। देखिए, समास और इक का प्रयोग होकर सामासिक शब्द बना है। जिन दो पदों में समास होता है वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक है। प्रत्यय और उपसर्ग की ही भांति समास भी शब्द रचना का महत्वपूर्ण साधन है। समास का अर्थ है संक्षेप, दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा यहाँ पर मिल गई समास की। समास क्या होते हैं, दो या तीन शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है, मिला करके जो शब्द बनता है वो होता है समास। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय होता है, जहां पर आप पढ़ाई करने जाते हो। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है आप उसको क्या लिख दो, विद्यालय। जैसे माता पिता को आप लिख सकते हो संस्कृत में अगर बोले तो पितरौ, माता च पिता च, जिसका समस्त पद होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित को संक्षेप में कर दिया गया, से का लोप करके रोग पीड़ित लिख दिया गया। यथा शक्ति, यानी कि अपनी शक्ति के अनुरूप, आदि समासिक पद हैं। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। सामासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मेघनाद का विग्रह हुआ, मेघ के समान नाद है जिसका। अब देखिए, मेघ के समान नाद है जिसका, इतना पूरा वाक्य लिखने से अच्छा हम केवल मेघ नाद लिख दें। तो इस तरीके से जो समास होता है उसका यही लाभ होता है कि वो जो इतना लंबा चौड़ा पद होता है उसको संक्षेप में लिख देता है। तो समास का अर्थ ही यही होता है, संक्षेप करना। अब चलिए आगे देखते हैं, सामासिक पद के बीच में आने वाली विभक्ति, परसर्ग, योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। यदि दोनों पद तत्सम होते हैं तो संधि की स्थिति बनने पर उनमें संधि हो जाती है। जैसे विद्या और आलय में संधि होकर विद्यालय बन गया है। अब समास के भेद, दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुव्रीहि समास। कुछ लोग कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मानते हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल अलग अलग ही इन छहों का अध्ययन करना है और एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा। अब सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास देखेंगे। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा प्रायः जातिवाचक संज्ञा होता है, सामासिक पद अव्यय हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, अव्ययी भाव समास में यथा संभव, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, भर पेट, पेट भर कर, रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रातों रात। अब इसके आगे देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन और यथा संभव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। अब देखिए, इसके बाद बेशक, शक के बिना, आमरण, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। तो इस तरीके से जहां पर भी अव्यय शब्द लगे होते हैं उनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके बाद तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्म कारण से लेकर के अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। जिस तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे उसी से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे आप सभी को पता होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान,
इस तरीके से ही यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। देखिए, गुणातीत, गुण को पार किया हुआ, ये कर्म तत्पुरुष हुआ। सरणागत, सरण को आगत, यानी कि यहाँ पर को का क्या हुआ, लोप हो गया, को यहाँ पर गायब हो गया। सरण को आगत, सरणागत हो गया, को का लोप हो गया। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार, को लोप हो गया। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। तो यहाँ पर को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, अपादान अलग होने के लिए। इस तरीके से भी आप आगे पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर देखिए को गायब हो गया, गगनचुंबी हो गया। तो इस तरीके से जहां को का लोप होगा, यही आप याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। दोस्तों, इस तरीके से संप्रदान के लिए, इसके अलावा अपादान से अलग होना, किसी से अलग होने के लिए अपादान, तो बहुत ही इजी है। मैं बहुत ही इजी वे में आपको सब कुछ बता दूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गगनचुंबी तक हो गया था, गगन को चूमने वाला। इसके बाद करण तत्पुरुष हम देखेंगे। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, भूख मरा, भूख से मरा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। आप देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था करण तत्पुरुष में से या के द्वारा आएगा, तो यहाँ पर देखिए सब से का लोप हो गया है और द्वारा भी यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरीके से ये सब करण तत्पुरुष हो गए। अब इसके आगे हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, संप्रदान के लिए, दान, दान देने से भी तात्पर्य होता है और के लिए भी इसका तात्पर्य होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा या फिर दान देना भी इसके अंतर्गत आता है संप्रदान का तत्पुरुष में। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो इस तरीके से आपने संप्रदान कारक देखा। अब अपादान देखते हैं हम। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक विभक्ति से का लोप होता है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसके बाद संबंध तत्पुरुष आता है। इसमें संबंध कारक का चिन्ह का, की, के का लोप होता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। भारतवासी, भारत के वासी। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। अब इसके बाद दोस्तों आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप होता है। जैसे आप बीती, अपने पर बीती। दान वीर, दान में वीर। शरणागत, शरण में आगत। और गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। और कला प्रवीण, कला में प्रवीण। यानी कि में या पर, जहां पर में या पर का लोप होता है उसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, कमल क्या है, कमल संज्ञा है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है, नीला कमल। तो ये क्या है, ये विशेषण हो गया। और कमल क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो ये विशेषण क्या कर रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें नीला विशेषण और कमल संज्ञा है। अन्य उदाहरण, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला अंबर। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पर देखिए तुलना की जा रही है, सुंदरता की बात की जा रही है, या फिर ये कहें यहाँ पर देखिए विशेषता बताई जा रही है कि जो मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर चंद्रमा को विशेषण की तरह यूज किया गया है और मुख को नाउन, या फिर ये कहें कि संज्ञा के रूप में यहाँ पर मुख का प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष। लौह पुरुष, लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष। इस समास में कभी कभी विशेष संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आ जाता है। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। देह लता, लता के समान शरीर। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। अब इसके बाद द्विगु समास आता है। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा, वह द्विगु समास कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। द्विगु समास बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप देखिए, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या से आप इसमें पहचान सकते हैं। इसमें समुदाय या समाहार का बोध होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहले में समुदाय या समाहार का बोध होता है और दूसरे में उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिए चौराहा, आप देखिए चौराहा मतलब चार, चार रास्ते, चार राहों का समूह। तो यहाँ पर आप देखिए संख्या होता शब्द आया। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आ रहे हैं।
इसके बाद देखिए त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह। अब इसके बाद है यहाँ पर देखिए दोपहर, दूसरा प्रहर, पंच प्रमाण, पांच प्रमाण। तो इस तरीके से जहां पर भी पहला पद जो होगा वो अगर संख्यावाची होता है तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद आता है द्वंद्व। द्वंद्व समास बहुत ही इजी है, इसको आप देख करके ही पहचान लोगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। सब में आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, माता पिता, माता और पिता, और लोप हो जाएगा। जहां पर भी और या आएगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। सुख और दुख, सुख दुख, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राग या द्वेष, राग द्वेष, भला या बुरा, भला बुरा, दाल और भात, दाल भात। अब इस तरीके से हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं अगर लंबोदर की, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, गणेश के बारे में बात हो रही है, भगवान गणेश के बारे में। इसके अलावा दशानन, दस है सिर जिसके, अर्थात रावण दोस्तों, दशानन। इसके बाद देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। सडानन, सट है आनंद जिसका, अर्थात कार्तिकेय। इसके बाद देखिए चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्रमा किसके शिखर पर होता है, शिव जी के, तो यहाँ पर ये बताया गया है। पंकज, पंक या कीचड़ में जन्म लिया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये छह प्रकार के समास होते हैं और छह प्रकार के समासों को आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको समास टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से आपका लेसन नंबर 6 आज कंप्लीट होता है हिंदी में। इसके बाद लेसन नंबर 7 मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे और लाभान्वित होते रहे। दोस्तों हम लोग आप लोग के सभी विषयों को इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं और सभी विषयों को हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को सभी विषयों के वीडियोस अवेलेबल करवाए हैं, तो आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल करता है। तो लगातार दोस्तों ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार ऐसे ही हमें उत्साहित करते रहा करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।